क्या हाल चाल है दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे बोट कंपनी की स्मार्ट वॉच के बारे में, जो आपको बजट प्राइस में ही मिल जाती है और फिलहाल यहाँ बहुत ही अच्छा डिस्काउंट भी दिया गया है, जिसमें सबसे पहले है बोट वेव लाइट, सेकंड है बोट वेव नियो एंड थर्ड है बोट वेव बीट, और इसी के सिमिलर आपको बोट वेव स्टाइल भी मिल जाएगी जो अमेजोन पर लॉन्च की गई है। उसी में आपको सिमिलर फीचर्स और क्वालिटी भी देखने को मिलती है। तो इन तीनों स्मार्ट वॉच में से आपको कौन सी परचेज करनी चाहिए या फिर कौन सी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए जिससे आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। और यहाँ फर्स्ट नंबर पे है बोट वेव बीट, सेकंड पे है नियो एंड थर्ड नंबर पे है लाइट, और इनके बॉक्स कुछ इस टाइप के देखने को मिल जाएंगे। और अब बात कर लेते हैं इनकी बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की। यहाँ बीट एंड लाइट में मेटलिक बॉडी फ्रेम का यूज किया गया है, वहीं नियो में पॉलीकार्बोनेट मटेरियल का यूज देखने को मिल जाएगा। तीनों में ही सिलिकन के स्ट्रैप दिए गए हैं और तीनों में ही आपको मेटलिक बकल्स भी देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के मामले में इन तीनों स्मार्ट वॉच में बोट वेव लाइट थोड़ी सी आगे निकल जाती है, क्योंकि इसके सिलिकन के स्ट्रैप में अच्छी क्वालिटी का यूज किया गया है और ये इन हैंड फील में भी काफी प्रीमियम फील होती है। सेकंड नंबर पे आएगी बोट वेव बीट एंड थर्ड नंबर पे आएगी बोट वेव नियो। और डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो इन तीनों में 1.69 इंच की HD डिस्प्ले का यूज किया गया है, साथ ही तीनों में 515 निट्स की ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाएगी। और इंडोर कंडीशन की अगर बात करें तो तीनों ही अच्छे से ब्राइट और विजिबल देखने को मिल जाती है। और आउटडोर यूजेज की बात करें तो इन तीनों स्मार्ट वॉच में बोट वेव लाइट की ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा दी गई है, जिससे कि इसकी विजिबिलिटी अच्छी देखने को मिलती है। और यहाँ बोट वेव बीट एंड न्यू ऑलमोस्ट सिमिलर ही परफॉर्म करती है, लेकिन फिर भी आप इन्हें आउटडोर में भी यूज कर सकते हैं। और बात करें इन वॉच की UI एंड फीचर्स की, तीनों वॉच में काफ़ी सिंपल UI दिया गया है। स्वाइप डाउन करने पर आपको शॉर्टकट मेन्यू देखने को मिल जाता है, राइट स्वाइप या फिर स्वाइप अप करने पर मेन मेन्यू दिया गया है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और तीनों ही वॉच में काफ़ी लैग फ्री UI देखने को मिलेगा, बिल्कुल भी लैग फील नहीं होता है। साथ ही टच रेस्पॉन्स की बात करें तो यहाँ टच भी काफ़ी रेस्पॉन्सिव देखने को मिलता है। और यहाँ फिलहाल तीनों ही स्मार्ट वॉच ऑलमोस्ट सिमिलर ही परफॉर्म करते हैं, यहाँ आपको 19-20 का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। हो सकता है कुछ वीडियोज़ में आपने देखा हो कि ये स्लो है ये फास्ट है, तो आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ ऑलमोस्ट सिमिलरली परफॉर्म करती हैं। और साथ ही कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो इन तीनों वॉच में आपको कैमरा एंड म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा, फाइंड फोन का फीचर दिया गया, टाइमर का ऑप्शन मिल जाएगा और भी कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। और स्पोर्ट्स मोड की बात करें तो इन तीनों वॉच में 10 स्पोर्ट्स मोड के ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि काफ़ी लिमिटेड ही देखने को मिलते हैं। और अभी बोट वेव बीट तो अभी लेटेस्ट में ही लॉन्च की गई है, तो इसमें तो कम से कम एड ऑन करना चाहिए था, लेकिन फिर भी इन तीनों में ही सिमिलर स्पोर्ट्स मोड के ऑप्शन दिए गए हैं, जिससे कि आप इंडोर या फिर आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर सकते हैं। और साथ ही हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर्स की बात करें तो तीनों वॉच में आपको HR, SPO2, स्लीप मॉनिटरिंग और ब्रीथ ट्रेनिंग के ऑप्शन दिए गए हैं, और यहाँ इनके सेंसर्स काफ़ी रिलायबल देखने को मिलते हैं। तीनों वॉच हार्ड सरफेस को मेजर नहीं करती है, तो आप एज ए रेफरेंस बेस पर इन तीनों वॉच को हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर्स के लिए यूज कर सकते हैं। और कॉलिंग फीचर्स की बात करें तो तीनों वॉच में नोटिफिकेशन बेसिक कॉलिंग का फीचर्स दिया गया है, जहां बीट एंड नियो में आपको साइलेंट एंड रिजेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि प्रॉपर तरीके से वर्क भी करते हैं। और बात करें लाइट की तो लाइट में सिर्फ रिजेक्ट का ऑप्शन दिया गया है, यानी कि आप कॉल को सिर्फ रिजेक्ट कर सकते हैं। और कनेक्टिविटी की बात करें तो तीनों वॉच में आपको सेपरेट ऐप के साथ पेयर करने का ऑप्शन दिया गया है, जहां बोट वेव बीट को आप बोट क्रेस्ट ऐप के साथ पेयर करके कस्टमाइज कर सकते हैं, और वहीं बोट वेव नियो को बोट हब ऐप के साथ पेयर करने का ऑप्शन दिया गया है। बात करें लाइट की तो इसे आप बोट वियरेबल ऐप के साथ पेयर करके कस्टमाइज कर सकते हैं। और यहाँ इन तीनों ही वॉच में आपको 100+ क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस दिए गए हैं, जिन्हें आप ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। और बैटरी लाइफ की बात करें तो तीनों वॉच में आपको नॉर्मल यूजर पर 7 डेज का बैटरी बैकअप दिया गया है। अगर आप इन तीनों वॉच को हैवी यूज करेंगे, जैसे हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर्स या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को, तो आपको 4-5 डेज का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, जो कि तीनों ही वॉच में सिमिलर दिया गया है। दोस्तों बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, इन तीनों वॉच में से आपको कौन सी परचेज करनी चाहिए। देखो यहाँ तीनों में ऑलमोस्ट सिमिलर ही फीचर्स दिए गए हैं। यहाँ फर्स्ट नंबर पे आएगी बोट वेव लाइट, इसमें बिल्ड क्वालिटी डिजाइन बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है, काफ़ी प्रीमियमनेस देखने को मिलेगी और विजिबिलिटी तो बहुत तगड़ी देखने को मिलती है, आउटडोर भी इजीली यूज कर सकते हैं। और यहाँ सेकंड नंबर पे आएगी बोट वेव बीट, जो कि न्यूली लॉन्च की गई है और इसमें भी अच्छी बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन का यूज किया गया है। अगर आप न्यूली स्मार्ट वॉच परचेज करना चाहते हैं तो आप इसके लिए भी जा सकते हैं। और यहाँ थर्ड नंबर पे आएगी बोट वेव नियो, तो इसे आप यहाँ स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 2 ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप दोनों में से किसी एक को प्रीफर कर सकते हैं। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, साथ ही बेल आइकन को दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।